नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्राचीन बिहार का इतिहास से जुड़े टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह है, वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए साथ साथ आप भी करते चलिएगा, ठीक है? अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो यहां से आप अपने पढ़े हुए को रिवाइज कर सकते हैं। तो वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी, पुष्पपुरी, पाटलिपुत्र और प्राची यानी पूर्वदेश। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जो कि प्राच्य यानी कि पूर्वदेश। ठीक है, वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? प्राच्य। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अथर्वेद। ठीक है, वैदिक ग्रंथ जो है अथर्वेद, इसमें मगध नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में मगध को किस नाम से जाना गया है? भाई कीकट। और यहां इस क्षेत्र के जो निवासी थे यानी जो निवास करने वाले लोग थे उनको वरात्य कहा गया। और ये लोग क्या, कौन सी भाषा यूज करते थे? प्राकृत। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वराह पुराण में, तो वराह पुराण में कीकट को क्या कहा गया है? अपवित्र देश। और वायु पुराण, पद्म पुराण, इसमें आपका गया और राजगीर, जो कि पहले राजगिरी के तौर पर जाना जाता था, इसे पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। चले प्रश्न संख्या 3 है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? नालंदा, गया, राजगिरी और वैशाली। बताइए मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? सबसे पहले तो आप जानिए कि महाजनपद की जो आप बात कर रहे हैं, तो महाजनपद हमारे देश में कितनी थी? 16 महाजनपद थी। और इसका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगूतर निकाय में इसका विवरण मिलता है। और भारत में 16 महाजनपद में 3 जो है, अंग, मगध और वज्जी, ये बिहार में थे। तो यहां पे हमें पूछा गया है मगध महाजनपद की राजधानी, तो क्या हो जाएगा? राजगिरी, ऑप्शन सी। ठीक है, और अंग जो है, अंग, मगध और कौन सा? वज्जी। तो अंग का जो उल्लेख है ये कहां मिलता है? अथर्वेद में मिलता है। और ये भागलपुर के समीप वेनसांग चेम्पो इसको कहता था। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को क्या कहा जाता था? वेनसांग ने क्या कहा था? चेनप्पो कहा था, चेनप्पो। और अंग राज्य में कुल कितने राजा हुए थे? 25 राजा हुए थे, जिनमें पहला आर्य राजा कौन था? तितुची। चले अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6 शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी विश्व में, और कब? ईसा पूर्व 6 शताब्दी में। कौन सी थी? बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो कौन सी थी भाई? वैशाली। ठीक है, वैशाली यहां पर सही जवाब है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आप बोध गया देख रहे हैं, जिसकी गया, जिस तौर पर भी हम जानते हैं बोध गया, और गया की डिस्टेंस बहुत कम है आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे फल्गु नदी है गया में, और यहाँ पे गया जी के नाम से फेमस है रबर डैम, जो इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम जो बना यहीं पे बना है। और इसको अगर हम देखें तो वायु पुराण जो है इसमें क्या कहा गया है गया क्षेत्र को? असुरों का राज। और बिहार के संदर्भ में जो हमें प्रथम जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। यहां पे आपने देखा वैशाली जो है सही है। हम लोग यहां पे देख रहे हैं पुराण की बात हमने किया, तो देखिए पुराण जो है उसके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन दोनों को माना जाता है।
और 18 में से अधिकांश पुराण की जो रचना है वह तीसरी चौथी शताब्दी जो कि कौन सी काल कहलाती है, गुप्त काल, इसमें हुई है। 18 पुराणों में से मत्स्य, वायु और ब्राह्मण पुराण जो है बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी पुराण में, इन पुराण में सुगवंशीय शासक जो था पुष्यमित्र, इसका वर्णन मिलता है और इसने 36 वर्षों तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, मौर्य वंश तो था, गुप्त वंश भी था, नंद वंश भी था, लेकिन कलिंग वंश नहीं था, तो ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट रहेगा। बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, यानी कि प्रथम जैन संगीति हुई थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो आप सब जानते हैं कि पहला जो जैन संगीति हुआ था वो कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में, जो कि अभी वर्तमान में पटना कहलाता है। और कब हुआ था, तो अगर हम समय देखें तो ये आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था। एक बात आती है यहाँ पे कि स्थल हम लोग देख लिया कि पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय अध्यक्ष इसके कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे वो थे अस्तुलभद्र, अस्तुलभद्र, ठीक है, अस्तुलभद्र थे। और शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शासक थे। यहां पे जो कार्य हुआ इस संगीति के अंदर, वो 12 अंगों का प्रणय हुआ, जिसमें जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन भी हुआ, कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर में। दूसरा जो जैन संगीति हुआ वो कहां पे हुआ, सबसे पहले तो जानिए कि कब हुआ, 512 ईस्वी में हुआ, और ये आपका हुआ था वल्लभी में, वल्लभी में, ठीक है। और अध्यक्ष थे देवदी क्षमा श्रमण। और इसके अंदर जो कार्य हुआ इस संगीति के अंदर, वो हुआ कि धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर किया गया और उसे लिपिबद्ध किया गया, क्लियर। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण जो प्राप्त हुआ वह कहां पे हुआ? तो काफी आसान है, ऑप्शन आपके पावापुरी, गया, नालंदा और पाटलिपुत्र, कहां पे हुआ? इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह कहां पे हुई थी? तो नो डाउट आप सबको पता है, सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा पावापुरी। कहां पे हुई थी भाई, पावापुरी में हुई थी। देखिए, अगर हम यहां पे देखें तो जैन धर्म में प्रवर्तक की जो संख्या रही वो 24 रही, और 24वें तीर्थंकर जो थे, प्रवर्तक जो थे, वो थे भगवान महावीर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या संस्थापक कह लें वो थे ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और इनके जो अनुयायी हुए उनको क्या कहा गया, निग्रंथ कहा गया। और इनका जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व, कहां पे हुआ था भाई, वैशाली के कुंडग्राम में। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और ये जो थी इनकी माता वो चेटक की बहन थे। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं। सही आंसर क्या रहेगा, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और हम लोगों ने यह भी देखा कि इनकी माता का जो नाम था त्रिशला था, जो कि किसकी, चेटक की बहन थे। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन से नदी के तट पे हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। अब इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। देखिए, अगर हम अगर महावीर स्वामी से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें, तो देखिए महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, इनकी पुत्री जो थी उनका नाम था प्रियदर्शना, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और जो इनके दामाद थे और इनके प्रथम शिष्य भी बने वो थे जमाली, ठीक है। और सिद्धार्थ जो थे इनके पिता थे, किनके, महावीर स्वामी के, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, और जैन धर्म में अगर साहित्य को देखें तो उसे क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को हम अंग कहते हैं,
और जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ जो हैं वह 14 पूर्व कहलाते हैं। वैसे आपको पता है कि जैन धर्म के पहले संस्थापक या जो हम कहते हैं पहले प्रवर्तक वो कौन थे, तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, और 24वें जो हुए वो महावीर स्वामी स्वामी हुए, जिनको कि हम वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जानते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म प्रचार के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया था? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्राकृत, बताइए किस भाषा का यूज किया था भाई? तो प्राकृत। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, और महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जो अपना पहला उपदेश जो दिया था वह राजगीर में दिया था, और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। और कर्नाटक में जैन धर्म को कौन ले गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां जो हैं वह तीर्थंकर, अर्हत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीर्थंकर जो होते हैं वह मोक्ष प्राप्त कर लिए होते हैं, अर्हत जो है जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, आचार्य जो कि जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो, उपाध्याय जो कि जैन भिक्षक हो, और साधु कि जो सभी जैन भिक्षु जो होते हैं उनको साधु कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो कौन सा है? सप्तभंगी ज्ञान, जिसको कि हम स्यादवाद के तौर पर भी जानते हैं, ने कांतवाद के तौर पे उसे हम सब जनरली जानते हैं। और जो जैन मठ होता है उसे क्या कहा जाता है? बसदी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमी का मिलता है, और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख जो है नारायण के अवतार के रूप में किया गया है, मिलता है। कई दफा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भद्रबाहु के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनको क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया, और ये दक्षिणी जैनी भी कहे जाते थे, और अस्तुल भद्र और उनके जो अनुयायी हुए उनको श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनको कौन से पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो मैं आपको बताऊं कि 100 वर्ष की आयु में इनको समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म अनुसार ज्ञान के जो स्रोत हैं, सोर्स जो हैं, वो कितने हैं भाई? 3 हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो लीजिए जो हमने आपको पहले ही बताया, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो नो डाउट आप सब इजली से कर पाएंगे। कौन थे भाई? ऋषभ नाथ। एक बार आपको मैं बता दूं थोड़ी, जो कि आपको रिमाइंड हो जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, पहले थे ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ नाथ नहीं बल्कि ऋषभ देव, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होगी आपको तो ऋषभ नाथ की जगह पे आप ऋषभ देव भी कर सकते हैं। ऋषभ देव दूसरे थे, अजित नाथ, तीसरे संभव नाथ, चौथे थे अभिनंदन स्वामी, पांचवें थे सुमति नाथ, छठे थे पद्म प्रभु, है ना। और आपको जो याद रखना है मेनली वो रखना है 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? अब देखिए यहां पे ऑप्शन जो है उसी में से आपको चूज करनी है। तो गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर, है ना, गौतम बुद्ध यहाँ पे सही हो गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इनका अगर हम जन्म की बात करें गौतम बुद्ध की, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था भाई? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल राजतंत्र यानी जो कोलीय वंश थी उसकी कन्या थी। और बुद्ध का वैसे अगर अर्थ देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो क्या होता है? ज्ञान। और
बुद्ध का जो उस समय उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, उनका जो भरण पोषण हुआ, पालन पोषण जो हुआ, उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया था। अब देखिए उनसे जुड़े कुछ अगर हम आपको फैक्ट बताएं, तो भगवान बुद्ध की माता का नाम जो था वो महामाया था, पुत्र का नाम इनका राहुल था, बुद्ध का जो सारथी था उनका नाम चन्ना था, और चुन सुनार जिसने क्या किया था, सुअर का मांस बुद्ध को खिलाया था जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी जो किरदार है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंतक जो कि बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, सुजाता एक कृषक बाला थी जिसने खीर खिलाई थी किन्हें, गौतम बुद्ध को, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी, अलार कलाम जिसने बुद्ध को योग और उपनिषद की दीक्षा शिक्षा दी थी, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, आप सब सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी सुना होगा जो हंस वाली कहानी है ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का वो अधिकार होता है उस वाले। स्तूप जो है बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है भाई, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए अगर हम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक की बात करें, तो हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जो है जन्म का प्रतीक है, सांड जो है यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पद्म चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। तो ये सभी चीजों को याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े चार दृश्य जो कि देखकर उन्हें वैराग्य की ओर धकेला, वैराग्य की ओर जाने पर विवश किया, वो कौन सा था? प्रथम दृश्य जो था वो था वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा इंसान, दूसरा दृश्य था रोगग्रस्त व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति था उसे देखकर, तीसरा जो था वो मृतक व्यक्ति जो मरा हुआ जो व्यक्ति था उसे देख करके उनका वहां से वैराग्य उत्पन्न हुआ, चतुर्दृश्य था, चौथा था वो था प्रसन्न सन्यासी यानी जो साधु था वो बिल्कुल सभी चीजों से परे था, सभी कष्टों से परे था और वो प्रसन्न था, और इसी को देखकर इनको वैराग्य की भावना उठी और उन्होंने वैराग्य को धारण किया। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कई दफा क्या होता है, आप सब ने पढ़ा है कि बोध गया है ना, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कहीं कहीं आपको क्या है जो नाम है वो चेंज रहता है, तो याद रखिएगा इनको उरुवेला, ठीक है, उरुवेला अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये आपको बोध गया के बारे में ही बताया है और सारनाथ के बारे में, ठीक है, सारनाथ जहां पे इन्होंने 5 बौद्ध भिक्षुओं को पहले ज्ञान की उपदेश दिया था वह है ऋषिपत्नम कहलाता है, सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा गया है या मृगदाव, मृगदाव ये दोनों नाम अगर देखे तो आप समझ जाएंगे कि सारनाथ का उल्लेख किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं था, अब बताइए, अगर आप जानते हैं तो बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, क्या नहीं था, यहां पे सही उत्तर क्या रहेगा जल्दी से बताइए अगर जानते हैं तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा सम्यक चरित्र। देखिए आपको मैं बता दूं कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें क्या आता है, सम्यक दृष्टि आता है, सम्यक संकल्प आता है, सम्यक वाणी आता है, सम्यक कर्मांत आता है, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो यहां पे सम्यक चरित्र जो है वो नहीं आता है, ठीक है, देखिए वाक है इसी पे वाणी यहां पे है इस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका नहीं आता है तो आपका बी करेक्ट है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि बुद्ध ने जब अपना गृह का त्याग किया था तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया भाई, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे संबोधि कहा गया, और जब उन्होंने उपदेश दिया उस घटना को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध साहित्य के कितने पिटक हैं, 3 पिटक, कौन कौन सा है भाई, तो एक तो है आपका सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा जो है आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, तो सुत पिटक जो है इसके अंदर बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है,
विनय पिटक के अंदर बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम को बताया गया है, और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार को दिया गया है। और चार जगह जो है स्थल जो है उसे आपको याद रखना है। पहला तो है लुम्बिनी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जिसे हम ऋषि पत्नम के तौर पर भी जानते हैं, वहां पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनारा, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सभी चीजें जो है याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी जो मृत्यु हुई थी, वो दोनों चीजें जो घटनाक्रम है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया? बहुत ही आसान है, चलिए बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए, पांच बुद्ध आपको पता होगा, कुकुन चांद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि जो कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, उसके बाद जो भावी बुद्ध को बताया गया है वो मैत्रेय को बताया गया है, और अंतिम बुद्ध जो होंगे वो होंगे कौन? सामंत भद्र। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहां से मिली है? कहां से मिली है? तो ये आपका मिला है बोध गया से। कहां से? बोध गया से, जहां से इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किन्हें? गौतम बुद्ध को। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो ये सबको पता है, जल्दी से बताइए यहां पे सही आंसर क्या रहेगा इसका। तो मुंगेर। कहां पे भाई? मुंगेर। प्रश्न संख्या 16 देखिए, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो ये भी कई दफा क्वेश्चन को पूछा गया है, बीपीएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। क्या है जगह? चिरान। कहां से मिला है? चिरान से। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? लोरिया नंदनगढ़ चंपारण, लोरिया अरेराज चंपारण, रामपुरवा चंपारण, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, अशोक के अभिलेख जो मिले हैं इन सभी जगह से मिले हैं, तो यहां पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, मौर्य कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहां से हुआ है? पटना का कुम्हरार से। कहां से? पटना का कुम्हरार। प्रश्न संख्या 19 है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है? हमने अभी आपको बताया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में कहा गया। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया। और आपको बता दूं, ऋग्वेद में मगध, ठीक है, मगध के क्षेत्र जो है इसको किकट कहा गया, और यहां के जो रहने वाले लोग थे उसको क्या कहा गया? व्रात्य। ठीक है, और वराह पुराण में, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, वराह पुराण में किकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन इन सभी को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया था, और वायु पुराण में गया के क्षेत्र जो है उसे असुरों का राज्य कहा गया था। और हमें बिहार की जो प्रथम जानकारी मिलती है वह किस कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? लीजिए आगे यहां पे क्वेश्चन बताइए। तो अभी हमने आपको बताया, नो डाउट आपको पता है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, और इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित जो थे गौतम, राहुगण, इनके साथ वैश्वानगर का पीछा करते हुए सदानीरा नदी जो कि अभी गंडक कहलाता है यहां तक पहुंचने का इसमें वर्णन मिलता है, और यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख किया गया है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में ही है आपका बक्सर, जहां पे ताड़का राक्षसी का वध हुआ था, और इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किया गया। किसके लिए? बक्सर के लिए। इसको आप याद रखिएगा। अगर हम कुछ और चीजों को देखें,
देखिए, ओम भूर्भुवस्व, ये जो गायत्री मंत्र है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम जो है ये कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। अतिथि देव भव तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देव भव तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये जो है कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है।